चलिए, तो अभी तक क्या बात करी हमने, क्या बात करी? मानसिकता बदलनी है, कैसे बदली जाए? विचारों में परिवर्तन लाने का माध्यम क्या है? क्या क्या किया जाए कि विचारों में परिवर्तन आए? सबके साथ ऐसे ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। ये हो गया आपके स्तर पर, हमारे स्तर पर, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, है ना, एज लाइक जागरूक नागरिक की तरह क्या कर सकते हैं? इन बच्चों के स्तर पर क्या होना चाहिए? जो एजुकेशन हमने लिया उससे हम ये बने हैं जो हम बने हैं, वही एजुकेशन ये भी ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं ना, हाँ वही एजुकेशन ले रहे हैं। उससे कोई बेहतर एजुकेशन थोड़ी ले रहे, उससे वर्ष जरूर ले रहे हैं, हाँ उससे खराब क्यों? इसमें कोई दो राय नहीं, हमसे अधिक भौतिकवादी बच्चे हैं, ठीक बात है? हमारे स्कूलों की तुलना में इनके स्कूल अधिक भौतिकवादी है, ठीक, इनके पास हमसे अधिक भौतिकता उपलब्ध है। है हम हमारे पास दो चार जोड़ी अच्छे कपड़े होते थे, हाँ अदल बदल के हम पहले पहले पहनते पहना। ये मैं कोई पॉवर्टी माइंडसेट की बात नहीं कर रही, उस समय ऐसा ही था, ये सही ऐसा ही था। हुआ करता था। सब साल में एक या दो बार अच्छे नए कपड़े खरीदे जाते थे, ठीक, अभी तो हर महीने शॉपिंग, ऐसा है ही, ठीक। इन बच्चों के पास हमसे अधिक उपलब्ध है, तो इन बच्चों के लिए किस प्रकार का कार्यक्रम होगा ये कल्पना करनी है आपने। क्या किया जाए भाई, इन्हीं के लिए हवा मिट्टी पानी की बात कर रहे हैं, इनकी मानसिकता बदले कि ना बदले, नहीं तो क्या करना पड़ेगा? संस्कार, तो संस्कार कैसे डाले जाएंगे? संस्कार माने भी एक तरीके से मानसिकता ही है बेसिकली, बच्चों की भी मानसिकता बदली जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। गड़बड़ कहाँ से शुरू हो रही है, सुधार कहाँ करना होगा? अच्छा, एज सिंपल एज दैट। अपने लिए भी क्या चाहिए हमें? एक पुनर्शिक्षा की जरूरत है, पुनर्विचार की जरूरत है। पुनर्विचार मतलब पुनर्शिक्षण, प्रशिक्षण, दोबारा एक ट्रेनिंग चाहिए, एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ही है ये, है ना? मूल में हमें अपेक्षा बहुत क्लियर है कि हम सब सुखी होना चाहते हैं, कार्यक्रम हम ठीक बना नहीं पाए तो वो ठीक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए पुनर्विचार, उसके लिए शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, हर एक स्तर पर, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा, सबके स्तर पर यही होगा। इनकी शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो डिजाइन करने का काम किसका है? हमारा, हम ही टीचर्स हैं, और कौन बदलेगा, है ना? आप, हम आप में से हम टीचर्स हैं, आप पेरेंट्स हैं। घर पे संस्कार वाला जो हिस्सा है वो पेरेंट्स को संभालना पड़ेगा, लेकिन अगर उनके ही संस्कारों में भौतिकता है तो फिर वो क्या करेंगे? वही संस्कार ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? तो संस्कार में मूल रूप से क्या चीज आ रही है? एक बात आ रही है, समझ। क्या समझें, कैसा समझें, किस चीज को समझ मान भी रहे हैं? क्या शिक्षा समझ है? बच्चा शिक्षित हो जाता है तो क्या समझदार हो जाता है? कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तो जो जॉब का भी लक्ष्य लेके चल रहे हैं उसकी भी गारंटी नहीं है, भूल जाइए आप समझदारी और शिक्षा की बात, ठीक है? बढ़िया, तो ये बात मुझे लगता है थोड़ी उतर रही होगी, है ना? इस बात पर खुशी की बात यह है कि ये कोई हम पहली बार बैठ के यहाँ विचार नहीं कर रहे हैं, ये विचार पूरे देश में लगातार अभी चल ही रहे हैं, ठीक है? और इस कार्यक्रम को आप जीवन विद्या कार्यक्रम के नाम से, जीवन विद्या एक सिंपल वर्कशॉप है जो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, आपने आज की वर्कशॉप के लिए को एग्जिस्टेंशियलिज्म भी
वहां पे एक शब्द था स अस्तित्ववाद, जिसके प्रणेता हैं श्री थे श्री ए नागराज जी, अभी अभी वो नहीं रहे, श्री ए नागराज जी। ठीक, मूल में एक दर्शन है जो कि बहुत ही आसान दर्शन है, समझ, ये तो समझ को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम जो है वो देश भर में चल रहे हैं। और कहाँ कहाँ चल रहे हैं आपको पता है? IITs में भी चल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी चल रहे हैं, इस तरीके से भी चल रहे हैं गोष्ठी के रूप में, जैसे अंकित भाई हैं, शांति भाई हैं, जनक भाई हैं, हसमुख भाई भी आई थिंक हमसे पहले से ही जुड़े हैं, आप भी ना, आपने भी वर्कशॉप की हुई है ना? हाँ, वर्कशॉप नहीं है, एक दिन किया। तो बाकी तीन लोग तो मेरे ख्याल से वर्कशॉप किए हुए, अंकल जी हैं हमें। तो ये सारी बातों पे इस तरीके से बहुआयामी एक विचार करना है ना, मल्टीपल फेसेट में सोचना कि हम जो एक्शन ले रहे हैं वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कार्यक्रम है, ये 7 days की यूजुअली एक वर्कशॉप होती है। ठीक, 7 days की वर्कशॉप है। ठीक है, और मैं चाहूंगी कि आपको जब भी मौका मिले, अंकल जी आपके कॉन्टेक्ट में रहेंगे, है ना अंकल जी, जब भी वर्कशॉप्स हो तो आप इन सभी को बताइएगा, है ना, और ये वर्कशॉप आप जरूर करिएगा। तो मैंने उनको बताया जी, कि जब उनको मौका मिलेगा। हाँ, तो ऑनलाइन वर्कशॉप है जी, अपने हिसाब से आधा घंटा रोज निकाल के दोनों साथ में पति पत्नी, ये जरूरी है। यस, तो इसके ऑनलाइन रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसको जरूर देखिएगा। मैं आपको एक बात दावे से कह सकती हूँ, यहाँ जितने चार पांच लोग किए हुए बैठे हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वर्कशॉप है वो, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, आपके सोचने का आपका दृष्टिकोण पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, पहली बात तो है ना, तथ्य पे आधारित है, तर्क पे आधारित है ना, फैक्ट एंड लॉजिक पे बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे कोई धर्म या इस तरीके की फेथ की बात नहीं कर रहे हैं, तथ्य और तर्क दो बातों पे आधारित सिंपल सी वर्कशॉप है, उसको सुनिएगा जरूर, ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है अंकल जी, आपको लिंक दे देंगे, उसको सुनिएगा जरूर। ठीक, अब बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि हम कहाँ खड़े हैं, एक ठीक ठीक हमारा नहीं, दुख नहीं चाहते, चाहते हैं दुख, कितने क्षण का दुख चाहते हैं? एक भी क्षण का दुख नहीं, हमारी इच्छा हो तो हम वरदान मांग ले 24/7 अंटिल वी डाई, है ना, तब तक हम सुखी रहना चाहते हैं, एक भी क्षण का दुख हमें स्वीकार होता नहीं है। फिर भी हम में से कितने लोगों ने दुख के अनुभव किए? सब ने दुख के अनुभव, दुख के अनुभव हमें दो आधार पर हुए हैं। एक तो हम शरीर के आधार पर महसूस करते हैं, दूसरा हम अपने चेतना में महसूस करते हैं। कहते हैं ना कि कुछ दुख होते हैं अंदर, अंदर बड़ा पेन है, तो शरीर में कहीं पेन नहीं, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मन में एक अकेलापन, एक आप है ना महसूस करते हैं, पीड़ा महसूस करते रहते हैं, किस किस बात पर पीड़ा महसूस करते हैं, कैसी हैं ये पीड़ाएं? आप जीवन में कभी पीड़ित हुए जब शरीर में पीड़ा ना हो, आपकी चेतना में पीड़ा हो? अपना ना बताना चाहें, किसी और का बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, वो पीड़ा बनी रहती है। तो किस कारण से ये पीड़ा उठती है? पुरानी बातों में कौन सी बातें अच्छी बातें, अच्छी अच्छी मेमोरीज कौन सी बातें, है ना, फलाने ने मुझे ये बोल दिया, मेरे साथ क्या हुआ है, अन्याय हुआ है, मेरा उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, है ना, इसी प्रकार की बातों से पीड़ा होती है जो दिखती नहीं है। ये पीड़ा ज्यादा सघन होती है या ये पीड़ा ज्यादा सघन होती है? ना बताई जाती है और ना सुलझाई जाती है, हाँ ना सही जाती, सही बात। शरीर के आधार पर जिस दुख को हम अनुभव करते हैं उसके बताइए बातें, उसके बारे में क्या कहेंगे? शरीर के आधार पर कौन कौन से दुख महसूस करते हैं? बीमारी, रोग, है ना, रोग में भी हम देखेंगे तो कुछ हमारे पास होते हैं असाध्य रोग, कैंसर वगैरह, जिनका डर आजकल सबको बना हुआ है। ठीक है, और दूसरे होते हैं कष्ट साध्य रोग,
है ना, कष्ट साधी आप लाइफ स्टाइल डिजीज के रूप में ले लीजिए, है ना, कष्ट साधी इनको थोड़ा हील करना थोड़ा कठिन होता है, लाइफ स्टाइल डिजीज के रूप में ये हमारे आते हैं। इसकी बात बात ना करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये जो कष्ट साध्य या असाध्य रोग हैं, ये इनकी स्थिति जो है, इनकी मात्रा जो है, ये बढ़ी है हमारे समाज में कि घटी है असाध्य या कष्ट साध्य रोगों के? अब प्रश्न है क्यों बढ़ रही? लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल का, हाँ यस, लाइफस्टाइल और हमारे जो भी है खान पान, लाइफस्टाइल में सब कुछ आ गया, खाना पीना जीने का तरीका जो है, ठीक है, खान पान ये सब बातें। देखिए प्रकृति को मैं चार अवस्थाओं में बांट रही हूँ। एक है हमारे पास पदार्थावस्था, पदार्थावस्था मतलब मटीरियल ऑर्डर, मतलब हमारे पास यहाँ पर आ गया सॉइल सॉइल वाटर, है ना, और भी गैसेस, ओजोन लेयर, आप पदार्थावस्था में जितनी पदार्थ की चीजें हैं उनको आप यहाँ पर कह सकते हैं, दिस इज पदार्थावस्था। धरती पहले एक आग का गोला थी, ये कहानी सबने सुनी होगी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर ठंडी होने के बाद क्या हुआ, बादल बने, फिर पानी बरसा, फिर पानी बरसने के बाद क्या हुआ, उस पर काई जम गई, फिर पेड़ पौधे आए, सुनी है कहानी, नहीं सुनी है आपने, कोई बात नहीं तो सुन लीजिए, फिर पेड़ पौधे आए, ठीक है, पेड़ पौधे आए, उसके बाद फिर पेड़ पौधे धीरे धीरे करके पूरी तरीके से पेड़ पौधों से धरती जो है वो हरी भरी हो गई, सुनिए रिविया ध्यान से कहानी, ठीक है, फिर धरती जो है खूब हरी भरी हो गई, जब इनके इनके नाम क्या है, इनका नाम क्या है, हरित, और इनका नाम क्या है, सर्व, 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 इधर आइए रिविया, इधर आइए आप, आइए आप भी आइए, देखिए ठीक, आ जाओ इधर आओ, बढ़िया, एक बहुत अच्छी कहानी, आपको बहुत ध्यान से रोल प्ले करना है, ठीक। तो धरती पर सबसे पहले कौन आई, पदार्थावस्था, ठीक, ये है पदार्थावस्था, हाथ उठाइए आपका, हाथ उठाओ, वेरी गुड, तो ये है पदार्थावस्था, ठीक, सॉइल वाटर गैसेस जो भी हैं ये सब हमारी पदार्थावस्था के अंतर्गत आई। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो अवस्था आई वो है प्राणावस्था, प्राणावस्था मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें आ गई, पेड़ पौधे, प्राणावस्था मतलब जो बेसिक इकाई जहाँ पर हम श्वसन प्रश्वसन को देख पाते हैं, ठीक, तो ये है प्राणावस्था, हाथ उठाइए रिविया, ठीक, ये है प्राणावस्था। तीसरी, इसके बाद जब ये पूरी तरीके से समृद्ध हो गई, समृद्ध होने के बाद जो तीसरी अवस्था आई वो कौन है, जीवावस्था, हाथ उठाइए, तो ये है जीवावस्था। अब मैं जिसका नाम लूंगी वो हाथ उठाता जाए, पदार्थावस्था कौन है, हरित, हरित, ठीक, प्राणावस्था कौन है, रिव्या, ठीक, और जीवावस्था कौन है, ठीक, ठीक है। देखिए पदार्थावस्था और प्राणावस्था यहाँ पर हम देख रहे हैं, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ठीक, तीनों को देखिएगा ध्यान से। पदार्थावस्था मतलब धूल मिट्टी, प्राणावस्था के आने के लिए धूल मिट्टी की जरूरत है, पेड़ पौधों के लिए धूल मिट्टी की जरूरत है कि नहीं है, प्राणावस्था धूल मिट्टी से लेती है, प्रश्न, लेने के बाद कुछ देती है कि नहीं देती है, फल फ्रूट कहाँ, मिट्टी थोड़ी खाती है। अब देखिए ये है पदार्थावस्था और ये है प्राणावस्था, हाथ पकड़ लीजिए, ठीक, पदार्थावस्था प्राणावस्था एक दूसरे को दे रहे हैं, प्राणावस्था भी जब पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं वो झड़ते हैं, धरती पर गिरते हैं, वो क्या बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं, तो मिट्टी समृद्ध होती है कि नहीं समृद्ध होती है, मिट्टी समृद्ध होती है, लेना भी है और देना भी, ये साइकिल पूरा है यहाँ पर, प्राणावस्था समृद्ध होने के बाद यहाँ पर क्या आई है, जीवावस्था, ठीक, कहाँ है जीवावस्था, हाथ पकड़िए इनका, ठीक, सीधे खड़े रहिए, हाँ, तो ये है जीवावस्था। जीवावस्था प्राणावस्था से लेती है, खाती क्या है, घास खाती है, ठीक, मान लीजिए ये बकरी है, मान लीजिए ये भेड़ है, ठीक, बकरी कैसे बोलती है, हाँ ठीक, भेड़ कैसे बोलती है, बंदर कैसे बोलता है, ठीक है, तो जो जीवावस्था है, जीवावस्था है वो प्राणावस्था से, प्राणावस्था से कुछ लेता है, कुछ लेती है जीवावस्था, बिल्कुल लेती है, वेरी गुड, ठीक,
अब आप तीनों लोग हाथ पकड़ के खड़े रहिए, ऐसे हाथ पकड़ लीजिए, खड़े रहिए, ठीक है, ध्यान से, सब लोग आपको देख रहे हैं। जीवावस्था जो है वो प्राणावस्था से लेती है, क्या जीवावस्था प्राणावस्था को कुछ वापस देती है? सोच करके देखिए, जब आप खेती करते हैं तो कहते हैं अगर आपकी खेती है तो गाय जरूर रखिए, क्यों रखिए? खाद के लिए, ठीक। तो जीवावस्था जो है वो प्राणावस्था को क्या देती है? खाद देती है। खाद के कारण क्या प्राणावस्था और अधिक समृद्ध होती है? तो जितना लिया उससे अधिक, यहाँ जितना लिया था उससे समृद्ध करके वापस किया, बहुत बढ़िया, है ना। जीवावस्था और पदार्थावस्था के बारे में क्या कहना है? यस, एक्चुअली यहाँ पे जीवावस्था की जो खाद है वो मिट्टी को अधिक समृद्ध करती है, मिट्टी के अधिक समृद्ध होने की वजह से प्राणावस्था और अधिक समृद्ध होती है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर लेना भी है और अधिक करके देना है, कैसा रहेगा? अगर मान लीजिए आपके सगे संबंधी ऐसे हैं कि आपने इनको कुछ चीज दी और इन्होंने आपको उससे ज्यादा का गिफ्ट दे दिया, आपको कैसा लगता है? ये अच्छे लोग हैं, लगता है ना, अच्छे लोग, क्यों भाई, अच्छा लगता है कि नहीं आपको जब कुछ ज्यादा करके देता है? आपने इनको एक पेंसिल दी, इन्होंने आपको दो पेंसिल दे दी, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? तो आप क्या चाहोगे, कि इनके साथ आपकी दोस्ती बनी रहे कि ना बनी रहे? बनी रहे। और ये मान लीजिए आपने इनको दो दी, इन्होंने चार करके वापस दे दी, तो वो भी खुश रहेगा, है ना। और ये तीनों जो है, आपके क्या है, तीनों हाथ पकड़िए जरा, हाँ, तीनों जो है आपस में क्या है, इनका देख रहे हैं, लेना देना आपस में ठीक। प्रकृति की चौथी अवस्था, देखिए ध्यान से देखिए, ये तीन जो है हमारे पास प्रकृति की जीवावस्था, प्राणावस्था, पदार्थावस्था है, और ये जो बैठे हैं ना, ये है ज्ञानावस्था, ठीक। ये तो अपने सहज हार्मनी में है, खुश है सब, आपने जितना दिया उससे ज्यादा इन्होंने दिया आपको, आपने भी इनको ज्यादा करके दिया, इनको भी आपने, बैलेंस चल रहा है, अच्छा है, ठीक, बढ़िया। आपका दे हैव अ हार्मनी डांस, ठीक है, विद इन ज्ञानावस्था ये आई और इसने कहा आई एम द इंटेलिजेंट वन, ठीक, आई एम द इंटेलिजेंट वन, ऐसा मैंने कहा, मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा मान लिया मैंने कि मैं बड़ी समझदार हूँ। तो हमने क्या कहा कि पदार्थावस्था के पास गए, एजुकेशन में हमारा कंटेंट कैसा है कि पदार्थावस्था में हमने कहा पीरियोडिक टेबल बना ली हमने एक, और उसमें कहा इतने सारे एलिमेंट्स, और क्या देखा, यही देखा कि ये सारे एलिमेंट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं। आप पढ़ते ना, इसका ये उपयोग है, इसका ये उपयोग है, इसका ये उपयोग, कितने लोगों ने एजुकेशन में ये पढ़ा कि इन तत्वों के लिए हम कैसे उपयोगी हैं? नो वन, वी डोंट नो। पदार्थावस्था का हाल ये, हमने माइनिंग कर करके गड्ढे के गड्ढे बना दिए धरती पर, बना दिए। पदार्थावस्था की हालत कैसी है? इधर आइए, पदार्थावस्था इधर आइए, आप बिल्कुल सैड होके खड़े हो जाइए, बस बिल्कुल सैड, इधर, हाँ, एकदम दुखी, बस। पदार्थावस्था की हालत कैसी है? सैड, एकदम सैड, दुखी। आगे आते हैं, बात करते हैं प्राणावस्था की, ठीक है। तो ये है प्राणावस्था, पेड़ पौधे जंगल, क्या हाल किया हमने पेड़ पौधे और जंगलों का? सैड, एकदम दुखी, हाँ, यस। जंगल का क्या हाल है? जितना मर्जी काटे ही जा रहे हैं, हमको कोई होश नहीं है कि इस काटने में कितनी वैरायटी की हमने वनस्पतियां खो दी हैं। सैड, एकदम दुखी है ना, यस, ठीक। आप भी दुखी, इनको भी दुखी, क्या जानवरों की क्या हालत कर रखी है हमने? खूब काट काट के खाओ, उनकी प्रजातियों को विलुप्त होने तक खाते रहो, जंगल देखिए, अगर आपने किसी का घर नष्ट कर दिया तो वो व्यक्ति कहाँ रहेगा, वो जानवर कहाँ रहेगा, उसकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, ठीक। तो सब के सब क्या है? दुखी हैं, दुखी होके दिखाइए, यस, ठीक। ज्ञानावस्था ने, देखिए ज्ञानावस्था कहती है वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर ऑफ दिस यूनिवर्स, भगवान ने, गॉड हैज क्रिएटेड इन हिज सेल्फ इमेज। देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, सो कॉल्ड हम भगवान है ना, धरती के मालिक, पदार्थावस्था से केवल लिया, कुछ दिया कुछ नहीं दिया, जीवावस्था से केवल, है ना,
मिली हमें भेड़, तो हमने कहा लाओ भेड़ के काटे जाए और काट के अपना ओवरकोट बना लें, है ना। कोई तरह तरह की स्किन से हम लोगों ने अपने तरह तरह के पहनने ओढ़ने की चीजें बना ली। प्राणावस्था का क्या हाल किया, जंगलों से केवल क्या किया है हमने लिया, ठीक। अब आप सब यहाँ पे आराम से नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठिए सब दुखी बच्चे, बैठ जाओ आराम से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर जरा ये तीनों को देखिए, ठीक है। ये आप चाहे इन्हें हवा पानी कह लीजिए, चाहे आप इन्हें जंगल जमीन कह लीजिए, ठीक है। ये तीन स्थितियां हैं और इन स्थितियों की हमने दुर्गतियां कर रखी हैं। हमने किसी ने भी कॉन्शियसली नहीं किया, ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा है। दैट इज व्हाई वी नीड टू बिकम कॉन्शियस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव कैपेसिटी टू चूज। हमें समझना पड़ेगा दैट वी हैव कैपेसिटी ऑफ इमेजिनेशन। हमें लगता है कि लेट अस गिव इन टू द सिस्टम एज इट इज, ठीक। तो पदार्थावस्था से केवल लिया, दिया, क्वेश्चन मार्क। जीवावस्था से केवल लिया, दिया, क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं दिया, लेते ही जा रहे हैं। प्राणावस्था से लिया तो खूब भर भर के, दिया कुछ भी नहीं। और आपने कहा हमारे शरीर में वो किस तरीके से हमें दुख के रूप में दिखाई पड़ रहा है, रोगों के रूप में, असाध्य रोग, कष्ट साध्य रोग, यही हमारी हवा पानी है ना, इनकी स्थितियां, हमने मिट्टी की स्थिति यही है, ठीक। अगर इन्हें नहीं सुधारा तो इन बच्चों का फ्यूचर आप अब आप इमेजिन कर लीजिए, फ्यूचर है ही, यही फ्यूचर है, आप देख लीजिए फ्यूचर की क्या दुर्गतियां हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारे शरीर में आने वाले दुख दर्दों की, ठीक है। ये जो सारा काम शरीर का, अभी तो इसी रूप में अनुभव कर पा रहे हैं इसको, अभी हम जिस चेतना के स्तर पर खड़े हैं इसे इतना ही अनुभव कर पा रहे हैं, अभी हम इसे न्याय के रूप में तो देख ही नहीं रहे हैं। हमारी चेतना इस रूप में विकसित ही नहीं है, हमारे पास शिक्षा ही नहीं है कि मैं आपसे अगर मैं पूछ लूं कि आप कैल्शियम के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं तो कितने लोग बता पाएंगे। हमारे लिए कैल्शियम, कैल्शियम किस प्रकार से उपयोगी, ये सब लोग बता देंगे, हड्डियों के लिए चाहिए कैल्शियम, आप कैल्शियम के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। यस, हम कैल्शियम के लिए उपयोगी हो पा रहे किसी भी रूप में, हमको होश ही नहीं है, हम बिल्कुल बेहोश है, हमने इस विषय पे कोई शोध नहीं किए हैं, और जो शोध हुए उन्हें उन पर मिट्टी डाल रखी है हमने, उस कल्चर को बिल्कुल ही हमने कहते ना मिट्टी तले रौंद के रखा है। हमारे संस्कृति में ऐसे ऐसे कुछ कुछ बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनमें भी लेकिन हमने क्या किया, संस्कृति को परंपरा के नाम पे एक ढोने का कार्यक्रम बना दिया, इसके कारण उसका भी प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हुआ। आज का वैज्ञानिक दिमाग जो तथ्य और तर्क, ये जो बच्चे है ना जो तथ्य और तर्क मांगते तो हम देने में चूक जाते हैं, तो वो कहते हैं ना वो गई फिर एकदम गड्ढे में चली जाती है। इस तरीके की संस्कृति परंपराएं बिना तथ्य और तर्कों के नहीं चलेंगी। परंपरा जो है ना एक एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, है ना, और एजुकेशन तथ्य और तर्क के बिना नहीं चलता है। दुर्भाग्यवश हमारे जो पूर्वज रहे उन्होंने एक थोपने के कार्यक्रम के रूप में, हमारे यहाँ ऐसा होता है इसलिए ऐसा कर लो, किसी भी कारणवश हम वहां से चूक गए तो उसका खामियाजा भुगत रहे, ठीक। अगली बात आपके साथ करती हूँ। अब हम बात करते हैं दूसरा, जो दुख का जो दूसरा हिस्सा था वो क्या था हमारे साथ, हम जो कहते हैं ना अन्याय, अन्याय अपमान हो गया हमारा, चेतना के स्तर पर, बिल्कुल शरीर के स्तर पर हमने समझा, ठीक है। आप लोग हाथ पकड़ के बैठे रहिए, ठीक है। देखिए हमारे पास, हमने एक शरीर के स्तर पर समझा और दूसरा किस स्तर पर समझा, चेतना के स्तर पर। शरीर का हाल देख रहे हैं हम, शरीर खुद ही खराब कर रहे हैं, है ना, और हमें लगता है ये तो हो रहा है, ये हो रहा है कि हम कर रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है कि प्रदूषण हम कर रहे हैं, हम भाषा में भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हम कहते हैं द एयर इज पोल्यूटेड, मतलब व्हाट, वी आर पोल्यूटिंग द एयर। भाषा को चेंज करेंगे तो समझ में आएगा कि हम जिम्मेदार हैं, ठीक है। खैर ठीक है, थोड़े समय में थोड़ी बात, अगली बात कर रहे हैं चेतना के स्तर पर। चेतना के स्तर पर हमारे, ये बताइए सबसे पहले तो यही बात कर लें, ये जो अन्याय अपमान, ये जितना भी हमें नो व्हाटएवर कीप्स ईटिंग अस,
है ना। और रोगों का एक मुख्य कारण मानसिक तल भी है। तो हमारी एजुकेशन में कौन सा पीरियड था, किस घंटे में, जीवन में कितनी देर, कौन माने, है ना, किस प्रकार की शिक्षा पद्धति से आपको इसके बारे में शिक्षा मिली। सुनी सुनाई चीजों की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि आपने कहीं कुछ रामायण थोड़ी देर देख ली, महाभारत देख ली, या किसी ने कोई अच्छी बात कर दी। मैं पूछ रही हूँ क्या हमारे पास इन बच्चों को देने के लिए एक प्रॉपर कार्यक्रम है। आपके स्कूल में चेतना का कोई क्लास चल रहा है? आपके स्कूल में नहीं चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल शांति से बैठे। देखिए आपके ऊपर सारे लोग ध्यान दे रहे हैं इस समय, ठीक है। चेतना जो है, ठीक, चेतना के विकास के लिए हमारे पास हमने कितना समय निकाला है और क्या कार्यक्रम बनाया? उससे हमारे जीवन में क्या इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस मिले हैं हमें, क्या हम जीवन में उसको इम्प्लीमेंट कर पाए? लोग आप में से खुद ही आप लोग ये अनुभव कर सकते हैं। कोई आज आपसे पूछे ना एक बात, आपको याद है जब आपका किसी ने अपमान किया और आपको बात दिल में चुभ गई हो, बिल्कुल आपको याद आ जाएगी, ताजा ताजा एकदम जैसे जख्म हुआ हो, है ना, एकदम ताजी पड़ी है अभी भी। हाउ मेनी ऑफ अस रियली नो हाउ टू हैंडल इट? कोई एजुकेशन है? कोई एजुकेशन नहीं है आप में से किसी के पास। आप लोगों ने ली कोई फॉर्मल एजुकेशन, या आपके स्कूल में कोई, हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा करके किताब चलती थी, एक पीरियड भी होता था, मॉरल वैल्यूज, यस मॉरल वैल्यूज, पर उसमें कहानियाँ थी जिनका, जो कहानियाँ थी अगर मैं उसको एक्सप्लोर ना करती तो मैं वहीं की वहीं अटकी रह जाती। मेरे जीवन में उन कहानियों का आज इसलिए मूल्य है क्योंकि मैंने फर्दर एक्सप्लोर किया। लेकिन यदि आप जॉब या किसी कार्यक्रम में फंसे हुए हैं, आप सुनिए, सब लोग आप ही के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, तो ये यू नो दे वुड नॉट हैव मैनिफेस्टेड इन एनीथिंग। चेतना के स्तर पर हम किस चीज को अनुभव करते हैं? अन्याय को, अपमान को। ये कैसे सुधरेगा? सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? देखिए, कोई आपका अपमान कर देता है आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है आपको? आपको अच्छा लगता है हारित? आपको कोई अपमानित करता है अच्छा लगता है? मम्मी डांट लगाती तो भी अच्छा नहीं लगता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या किया जाए उसके लिए, सोच के बताइए क्या होना चाहिए। इस अन्याय, इस मतलब कुल मिला के चेतना के स्तर पर सुखी होने के लिए हमें न्याय को समझना पड़ेगा ना, न्याय की समझ होनी पड़ेगी। एक बच्चे को मैं फॉर्मली एजुकेट करना पड़ता है, आपको भी जब आप पेरेंटिंग करते हो ना, आपको बताना पड़ता है कि बेटा ऐसा करो, है ना, ऐसा करने से देखो उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए आप भी ऐसा, आप ऐसा मत करो, या अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा। आप इस तरीके की कल्पनाएं करवाते हैं ना, ये सब आप न्याय की शिक्षा दे रहे होते हैं उस समय। लेकिन इज देयर एनी काइंड, देखिए अलग अलग पेरेंट अलग अलग चीजें बताते, जैसे किसी ने इसको मार दिया तो कोई पेरेंट कहेगा बेटा एक खा के मत आना स्कूल से, दो मार के आना। अलग अलग पेरेंट अलग अलग ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। कोई दूसरा बोलता है, फिर जाते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत दब्बू हो गया है, ठीक है, अब इसको, इसका सुधार कर कैसे किया जाए। हमारे कुछ लोग हमारे से काउंसलर्स के पास भी चले आते हैं अपने बच्चों को लेकर के, इसका क्या किया जाए। प्रश्न ये अगर आपसे पूछा जाए कि न्याय की समझ है हमारे पास, हमको कोई फॉर्मल एजुकेशन है, कुछ टूटा फूटा थोड़ा बहुत समझते हैं, अगर हमें किसी की बात खराब भी लग जाती है ना, तो मेरे साथ तो ऐसा, तो मैं पहले सोचती थी मुझे खराब ही क्यों लग रही है बात, फिर सोचती इसको कहा कैसे जाए, कहने में ये संकोच कि कहें तो कहीं इसको बुरा ना लग जाए, नहीं तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। मन के स्तर पर इतनी भावनाएं हैं जिनके बारे में हमने कभी खुल करके कोई डिस्कशन नहीं किया, ना उस पर उंगली रख के पहचानने की कोशिश करी। हमने पीरियोडिक टेबल के 120 तत्वों का खूब अध्ययन कर लिया, लेकिन मन के स्तर पर जो हमारे 122 आचरण हैं उनको हम ठीक से पहचान नहीं पाए। जो भावनाएं हैं उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं, क्या किया जाए? अगर आपको नहीं आएगा तो आप इन बच्चों को बता पाएंगे? देन कोई ट्यूशन टीचर रखा है आपने बताने के लिए? कोई स्कूल में ये पीरियड चल रहा है? किसी टीचर को खुद ही पता है? क्या हमारे एजुकेशन में कंटेंट का हिस्सा है? नहीं है।
चलिए थोड़ी सी बात और कहती हूँ, फिर कितना टाइम हो गया? थोड़ी देर बैठेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में, बहुत ज्यादा लंबा नहीं। अभी थोड़ा सा आपको परिचय करवा दूं, राजेंद्र भाई हमारे प्रिंसिपल पीडीसी कॉलेज जी, और डॉक्टर केशव भाई इसी सेम इंस्टीट्यूशन से हमारे प्रिंसिपल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कॉलेज में हम लोग हैं। चलिए आपको मेरी बातें आर दे मेकिंग सेंस? यस, ठीक। चलिए एक छोटी सी बात करते हैं, है ना? क्या है आपकी समझ से न्याय क्या है? जितनी समझ आज हमारी है उसमें न्याय को परिभाषित किया जाए। जो हम कर रहे हैं वो पदार्थावस्था के साथ न्याय है क्या? जो हम कर रहे हैं वो प्राणावस्था के साथ न्याय है क्या? और जो हम कर रहे हैं वो जीवावस्था के साथ न्याय है क्या? जो हम आपस में कर रहे हैं वो न्याय है क्या? न्यायालय में न्याय होता है कि फैसले होते हैं? उस फैसले में न्याय की अनुभूति रहती है? जिसने पैसा खिलाया उसके पक्ष में फैसला हुआ, न्याय हुआ कि नहीं हुआ? नोबडी नोज, ठीक है। कहते हैं आप उस फ्रस्ट्रेशन को तब तक नहीं महसूस कर सकते जब तक आप वहां खुद ना गए। पीपल डू गेट फ्रस्ट्रेटेड अ लॉट, लोगों की लाइफ चली जाती है इन सब, कहते हैं ना, कचहरी कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना। पुलिस कोर्ट कचहरी इन सब चीज़ों से हम डरते हैं। पुलिस का काम क्या है? हमें सुरक्षा प्रदान करने का, और सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? पुलिस वालों से। ऐसा ही हमको तो पुलिस वालों को देख के ही डर लगता है, क्योंकि हमारे पिताजी कहते थे पुलिस वालों से बेटा बच के रहना। गुंडों से बच के रहना वो ठीक बात है, पुलिस वालों से ही बच के रहना, ठीक है। और कोई वकील कोर्ट कचहरी के चक्कर जिंदगी में कभी ना लगाने पड़े, बस यही समझो बढ़िया है, ठीक है। ऐसे ही जीना, मामला आप अपने में सुलटा लेना तो सुलट जाएगा, कोर्ट कचहरी में नहीं सुलटता। ऐसा ऐसी उनकी बातें थी, ठीक है, हमने ध्यान भी रखा, ठीक है। चलिए अभी बताइए न्याय के बारे में क्या क्या लगता है आपको कि न्याय क्या है? जैसे पदार्थावस्था के साथ यदि हमें न्याय करना है तो हम कब कहेंगे कि न्याय हो जाएगा? पदार्थावस्था मतलब हारित, ठीक है, हारित आपके साथ न्याय किया जा रहा है, बताइए क्या है न्याय? पदार्थावस्था के साथ कब कहेंगे कि न्याय हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, फिर से कह दीजिए एक बार। उन्होंने कहा जो पदार्थावस्था से हमने लिया है वो ही हमें उसको देना चाहिए, जो उसको दुगना या तीन गुना करके नहीं लेकिन जितना लिया है वो भी दे सके तो भी काफी है हमारे, तो भी थोड़ा सा न्याय हो जाएगा उसके साथ। पदार्थावस्था हमारे पास है, अच्छी खासी मात्रा में है पदार्थावस्था, मनुष्य के रहने के लिए पूरी धरती समर्पित है कि नहीं है? सारे ध्यान से सुनिए बात को, जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पैदा होने से पहले उसके भोजन की व्यवस्था प्रकृति ने की होती है माँ के दूध के रूप में, या बच्चे के पैदा होने के बाद व्यवस्था होनी चालू होती है कि 6 महीने बाद 8 महीने बाद दूध आएगा, बच्चे के पैदा होते ही दूध की व्यवस्था चालू है। मनुष्य के आने के लिए, ज्ञानावस्था की इकाई के आने के लिए, उससे पहले पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था तीनों समृद्ध अवस्थाओं में हमें मिली, हमने क्या किया उनके साथ? वो हमें देव आर डेडिकेटेड टू अवर सर्विस, वो हमारी सेवा में ही तो है। उन सब में अपने आप को मल्टीप्लाई करने का, अपना बैलेंस बनाए रखने की व्यवस्था है कि नहीं है? जो हम फूड चेन पढ़ते हैं वो क्या है? उनकी व्यवस्था की संरचना ही तो है। ये सब चीजें आपस में व्यवस्थित रहेंगी, उनमें एक नियम काम करता है, ठीक है, कोई किसी को खाएगा, कोई किसी को खाएगा, इस प्रकार से सभी जो हमारे पास अमाउंट ऑफ
स्पीसीज है वो कंट्रोल्ड रहेगा, अनकंट्रोल्ड नहीं होगा, है ना। एक छोटी सी समझदारी की बात है, इसको हम पढ़ रहे हैं, इसकी अनुभूति कर रहे हैं कि पता नहीं, ठीक है। ओके हरित, प्राणावस्था की स्थिति कैसे इसके साथ न्याय हो, प्राणावस्था के साथ न्याय करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो कर रहे हैं उसमें क्या करना बंद कर सकते हैं, केमिकल डालना बंद कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, देखिए काटे नहीं उसे, काटे नहीं उसे, काटे नहीं उसे, कटने से बचाएं अथवा वृक्षारोपण करें। जिस दिन आपको ये समझ में आने लग जाएगा ना कि ये पेड़ नहीं कट रहा है, ये हमारा बच्चे का भविष्य कट रहा है, ये धरती नहीं बर्बाद हो रही है, ये हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ये जानवर नहीं कट रहे हैं, ये हमारे बच्चे का भविष्य है ना, बच्चे का जीवन समाप्त हो रहा है, उस दिन आपको आपकी चेतना अलग प्रकार से एक्शन लेना शुरू करेगी, ठीक है। और स्थितियां काफी खौफनाक है, हमारे पास क्या, हम इतना उलझे हुए हैं अपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, अपने इंस्टाग्राम फेसबुक में, कि हमारे पास ये सब विचार करने का कोई समय नहीं। और मैं इस बात में 100% श्योर हूँ कि जो आज लोग यहाँ पर समय निकाल के आए उनके दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन होगी, क्योंकि निमंत्रण तो और भी कई लोगों को दिया गया होगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि और कोई दूसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये एक ब्यूटी है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपके मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होगी जरूर, नहीं तो आप यहाँ तक आते नहीं, नहीं तो आपके कान में शब्द पड़ते नहीं। इसके बाद बात करते हैं मानव मानव के बीच में न्याय क्या है। सास बहू का संबंध है ना, सुनते ही सबको थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। मुझे तो, मैं जब मेरी शादी में तो मुझे तो इतना डर लगता था, बाप रे कैसी सास मिलेगी, कभी मेरे को ये चिंता नहीं थी कि कैसा पति मिलेगा, मुझे सारी चिंता यही थी कि कैसी सास मिलेगी, ठीक है। और डर बहुत लगता था कि सास पता नहीं कैसी मिल जाएगी, ऐसा, ठीक, सास से बड़ा डर लगता है। संबंधों में और कैसी ननद, ननद का भी बड़ा कहर रहता है, ठीक है, हम सब ननद भी हैं, हम सब भौजाई भी हैं, फिर भी एक अजीब सा भय जैसा भरा रहता है। संबंधों में कैसे न्याय, बताइए संबंधों में न्याय कैसे हो, कैसे संबंधों में न्याय किया जाए, सोचिए, सोचना पड़ेगा, संबंध का प्रयोजन पहले तो समझना पड़ेगा, बिल्कुल, संबंध का प्रयोजन क्या है, संबंधों के प्रयोजन क्या है, किस कारण, जैसे आज हम किसी संबंध पूर्वक आप यहाँ पर आ गए ना, किस प्रयोजन से आए, क्या सोच के आए थे, डॉक्टर साहब ने बुलाया तो चलो चले चलते, किस कारण से आए, क्या है संबंध का प्रयोजन, जीवन में हमारे इतने संबंध है, पति पत्नी संबंध है, भाई बहन संबंध है ना, गुरु शिष्य संबंध है, माता पिता संबंध है, पिता पुत्री संबंध है, पिता पुत्र या पुत्री संबंध है, माता पुत्र या पुत्री संबंध है, तब कहते हैं कि माता हमारी वास्तव में सुमाता है, माता नहीं है, कब कहें कि हमारा भाई सही में हमारा भाई है, वही मतलब प्रयोजन पूरा हो गया, मतलब कहेंगे अच्छा मेरा भाई बहुत अच्छा है, कब कहे मेरा भाई बहुत अच्छा है, जब राखी बांधने में 1001 रुपए का गूगल पे आ जाए, कब कहे कि मेरा भाई अच्छा है, उसके व्यवहार से, उसके व्यवहार से, बिल्कुल, व्यवहार कब कहेंगे कि व्यवहार अच्छा है, किस चीज को हम अच्छा व्यवहार कहेंगे, जब हम जाते हैं तो खूब अच्छा नाश्ता खिला दे, जाते समय खूब अच्छी विदाई कर दे, क्या कर दे, बताइए कब कहते हैं, रिव्या बताइए कब कहते हैं किसी का व्यवहार अच्छा है, जब वो कुछ करता है, किस लिए करता है, एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट, हेल्प किस चीज में करता है, तालियां, सही उत्तर है, आप बताइए हारित, जब कोई आपकी हेल्प करता है आपको अच्छा लगता है, हेल्प क्या करने में करे वो व्यक्ति आपकी, जैसे आपको आपकी टीचर अच्छी लगती है, मम्मा अच्छी लगती है,
पापा अच्छा लगता है, क्या करने में आपकी हेल्प करते हैं? मम्मी पैसे कमाते हैं। तो इन तीनों से क्या फायदा होता है आपका? देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, बस ऐसी हमारी जिंदगी है। तो जो जो हमारी टीचर है वो आपकी क्या चीज में हेल्प करती है? हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। सिखाते हैं तो सिखाते हैं तो उससे क्या फायदा है? जब आप सीखते हो तो क्या होता है, आपको क्या लगता है सीखने से क्या हो जाएगा? ना सीखो तो चलेगा नहीं क्या? नहीं चलेगा, ये पता है इसको। ये बताइए, जब हम सीखेंगे तो उससे क्या होगा? अच्छे आदमी बनेंगे, बुरे आदमी बनेंगे? पक्का? ऐसा तो नहीं कि बुरे आदमी बन जाएं। अरे तो आप बताइए, आप सीखेंगे तो अच्छे आदमी बनेंगे कि बुरे आदमी? पक्का आप अच्छे आदमी हैं कि नहीं है? आप अच्छे आदमी बुरे आदमी हैं? अच्छे आदमी हैं। तो फिर शिक्षा की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है शिक्षा की? जब आप अच्छी हैं, ऑलरेडी रिव्या अच्छी है, क्या हो जाएगा जब शिक्षा लेंगे? तो फिर हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? तो हमें नॉलेज आएगा। नॉलेज आएगा तो क्या हो जाएगा? तो हम अच्छे बनेंगे। नहीं, अच्छे बनेंगे तो क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा? आपको कोई फायदा होगा कि नहीं? अच्छा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा। क्या अच्छा फायदा होगा बताओ? आप लोग बताइए क्या अच्छा फायदा होगा आपको? प्रोटेक्टेड रह सके। और सही, बढ़िया। प्रोटेक्शन, अंडरस्टैंडिंग इज द बेस्ट प्रोटेक्शन, है ना? और मान लीजिए आपको पता है कि सही चीज क्या है, ठीक, और ये गलत बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे? तो मैं उसे सिखाऊंगी। हाँ, ये है मुद्दे की बात, ठीक है? आपको पता ही, आपका दोस्त है, अगर ये गलत रास्ते जा रहा है तो आप उसको क्या करोगे? कि ये रास्ते नहीं जाना है। ये रास्ते नहीं जाना है, ठीक। तो हमारे संबंधों में भी बस मूल प्रयोजन इतना ही है। माँ हमें चाहे वो खिला पिला भी रही, तो इसीलिए खिला पिला रही ना रिव्या कि आप अच्छी इंसान बने। इसलिए खिला पिला रही कि आप बड़े होके कोई बैंक लूटे नहीं। बैंक होता है ना, लोग पैसे जमा करते हैं, बैंक लूटते हैं, पता है आपको? लोग नहीं पता है? नहीं, कोई बात, छोड़ दीजिए इस बात को, ठीक है? समझ में आ रही बात है ना? तो आपकी मम्मी पापा खिला पिला रहे हैं आपको इसलिए ताकि आप एक अच्छे इंसान बने। एक अच्छे इंसान बनेंगे तो आप क्या कर पाएंगे दुनिया में, समाज में उपयोगी हो पाएंगे कि व्यर्थ हो जाएंगे? उपयोगी हो पाएंगे। उपयोगी होंगे अर्थात के समाज की चेतना को बढ़ाने में आपका योगदान रहेगा। एक अच्छी माँ, अच्छी माँ का मतलब है कि उसने आपकी चेतना के विकास में सहायता करी। एक अच्छे भाई का भी यही मतलब है, एक अच्छे गुरु का भी यही मतलब है, एक अच्छे पिता का भी यही मतलब। आप किसी भी संबंध को देख लीजिए। हाँ, ये लाइए, कुछ कहना है आपको सर? ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि मूल रूप से सारे संबंधों में एक प्रयोजन निहित है कि चेतना का विकास। हमारे धर्म में भी ये बात कही गई है ना, सारा जब तब सेवा हर ज्ञानार्जन, आप किसी भी चार प्रकार के योग बताए गए, मूल लक्ष्य क्या? चेतना का विकास हो जाए। मैं बहुत इसमें मोक्ष वगैरह की बात नहीं कर रही, पर चेतना के विकास की बात कर रहे हैं। चेतना का विकास हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रश्न चिन्ह बना ही हुआ है, चाहे वो साइंस के माध्यम से, मतलब शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे धर्म के माध्यम से। आप सचेत होने की जरूरत है। तो न्याय क्या है? मूल रूप से न्याय क्या है? जो अवस्थाएं जिस स्थिति में हैं उनकी यथा स्थिति को बनाए रखना, है ना, उनका शोषण ना करना, है ना, उनके समृद्ध बने रहने में योगदान देना। जैसे संबंधों में भी शोषण होता है कि नहीं होता है? देखिए, जो आप प्रकृति में कर रहे हैं ना, आप उसे संबंधों में करने से स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। एक जो लालची व्यक्ति है, जो स्वार्थी व्यक्ति है, वो संबंधों में भी यही चाहेगा कि तभी आपसे बात करेंगे जब आपसे मेरा कोई फायदा है, नहीं तो वो व्यक्ति बात नहीं करेगा। आप सब ऐसे लोगों को खूब जानते होंगे, है ना? लालच एक जो टेंडेंसी, जो मानसिकता है, वो
प्रकृति के साथ भी दिखती है और मानव के साथ भी दिखती है, क्योंकि एक मानसिकता है, यूज एंड थ्रो एटीट्यूड, यू यूज एंड थ्रो ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो पीपल। ठीक, इसी को हम फिर कहते हैं मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अपमान हुआ है। ठीक है, इन बातों को हमारे पास करने का स्पेस नहीं है, हम इन चीजों को पहचान नहीं पाए हैं। प्रश्न ये भी है कि आप पहचान सकते हैं, क्या हमारे दिमाग का इतना विकास हो गया है, बताइए हरित, बताइए क्या हमारे दिमाग का इतना विकास हो गया है कि हम अपना अच्छा भला पहचान पाए। हाँ ये हो गया, देखिए इनका भी हाँ नहीं बोलता, अगर बच्चा नहीं पहचान, बच्चा भी अपना अच्छा भला पहचानता है, ये बात ठीक है। न्याय अन्याय को पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं, छोटा सा बच्चा होता है उसको फ्रैक्शन नहीं पता होता है, मैंने भिन्न के सवाल नहीं हल कर सकता। लेकिन आपने कभी लड्डू के दो हिस्से किए हैं, बच्चा तुरंत पहचान जाता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसको भिन्न नहीं आती, उसे फ्रैक्शन नहीं पता, लेकिन उसको पता है क्या बड़ा है क्या छोटा है। और उसको पता होता है, अगर आपके घर में दो बच्चे हैं ना, तो जरा आप किसी को ज्यादा देख के दिखाइए, दे पाते हैं। ये 2-3 साल के बच्चे में आप देख सकते हैं बिल्कुल, उसको कोई गणित नहीं आता, चेतना में गणित रहता ही है, इसलिए आप बच्चे को पढ़ा पाते हैं, इसलिए बच्चा पहचान जाता है क्या छोटा क्या बड़ा है। गणित का मतलब है आप केवल गणना करना सिखा रहे हैं, उसको पहले से पहचाना रहता है क्या छोटा है क्या बड़ा है, सब पता लगता है ना क्या छोटा है क्या बड़ा है, सब पहचान में आता है ये बातें। हाँ सब पहचान में आता है, हमको भी आता था, इनको भी आता है, आगे आने वाले सभी मानव के बच्चों को ये पहचान में आता ही रहेगा। ठीक, बढ़िया, थैंक यू फॉर द म्यूजिक। ठीक बढ़िया, आपने देखा है कभी शो करते ना पीछे से कुछ, वो लोग अपना पीछे ड्रम बजा देते हैं, ठीक है धीरे से, ये हमारे बच्चे हैं जो म्यूजिक बजा रहे हैं, बढ़िया। ठीक, जब मैं बोलूँगा आप तालियां भी बजा दिया करिए, फिर ये सब तालियां बजाएंगे, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम चेतना में प्रकृति में न्याय को पहचान पाएं, उसके लिए आप सभी से प्रार्थना है कि जो आपको लिंक भेजा जाए जरूर उसको देखिएगा। आप जब खाना बना रहे हो ऑन कर लीजिए, देखते रहिए, ठीक है, और उसके बाद एक लाइव वर्कशॉप जरूर अटेंड करिएगा, अगर हो सकेगा तो हम यहाँ पर ही करेंगे, है ना अंकल जी। ठीक, चलो जोरदार तालियां बजा दो इसी बात पे, बढ़िया बढ़िया, है ना। ठीक है अंकल जी, और बताइए और कुछ चर्चा, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो पूछिए। हाँ यस, आज मैं इतनी बात करना, जी जी, चेतना और आत्मा उन दोनों के बारे में डिफरेंस या समानता क्या है, ये थोड़ा जानने की इच्छा है। हमने आज बात शुरू करी थी कॉन्शियस पेरेंटिंग, ये वर्कशॉप का नाम रखा था कॉन्शियसनेस का। मत देखिए, मैं आत्मा धर्म या जिस तरीके से आत्मा शब्द को यूज किया वैसे नहीं हम बात कर रहे हैं, हम मूल एक बात कर रहे हैं जो यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति पहचान सकता है। चेतना मतलब लोगों ने बताया कि चेतना माने अवेयर हो जाना, है ना, आप लोगों ने बताया था अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब किसी ने फिर बोला इन्फॉर्म्ड हो जाना, ठीक है। तो कुल मिला के ये निष्कर्ष निकला, चेतना मतलब क्या निकला, कैपेसिटी टू चूज, चुन पाने की क्षमता, ठीक है, हम क्या चूज कर रहे हैं, कैपेसिटी टू चूज। अब आप भी बताइए बात ठीक है कि नहीं, कॉन्शियस हो जाना, कहते ना आई एम अ वेरी कॉन्शियस ईटर, आई एम हेल्थ कॉन्शियस, दैट मीन्स आई एम चूजिंग वॉट इज हेल्दी फॉर मी, आई एम अ कॉन्शियस ईटर, मतलब आई एम चूजिंग वॉट इज हेल्दी फॉर द प्लानेट, दैट्स हाउ यू यूज अ वर्ड कॉन्शियसनेस। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कॉन्शियस पेरेंटिंग, तो पेरेंटिंग के जो हिस्से हैं उसमें एक हिस्सा शरीर का, एक हिस्सा चेतना के विकास का, चेतना का विकास मतलब मूल रूप से न्याय की बात कर रहे हैं। तो हमने एक छोटा सा एक मूल्यांकन किया कि धरती में जो अवस्थाएं हैं उनकी क्या स्थिति है, वो स्थिति है या हमने कर रखी है ऐसी, ठीक। बाकी शायद मैंने यहाँ पे लिखा था तब आप थे कि 7 दिन का पूरा जीवन विद्या का एक परिचय शिविर है, मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद। सह अस्तित्ववाद का मतलब है को एग्जिस्टिंग विद द नेचर, नॉट रूलिंग ऑन द नेचर, इट इज नॉट अबाउट कॉन्करिंग द नेचर। प्रकृति को जीतने की बात नहीं है, प्रकृति के साथ रहने की बात है, ठीक है। तो इस पर आधारित एक 7 डेज का वर्कशॉप है, इसके बाद कुछ किताबें हैं जो श्री ए नागराज ने लिखी, लगभग 14 किताबें, उसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन जो है वो तथ्य और तर्क के आधार पर है, बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति से, और इसमें आपका कोई प्रश्न चाहे वो आत्मा से रिलेटेड हो चाहे परमात्मा से रिलेटेड हो अनसुलझा नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन आपको उतना प्रयास कर लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक दैट एफर्ट।
तो नेचुरल में सहज होना, नेचर का जो रूल्स है yes. को फॉलो करना, वही न्याय है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, तालियां बन, तालियां बजाओ, ताली। प्रकृति में जो नियम है, प्रकृति में जो नियंत्रण के लिए, प्रकृति में संतुलन जो है ना, वो न्याय के रूप में दिखाई पड़ता है। संतुलन, प्रकृति का संतुलन ही न्याय है। प्रकृति में संतुलन का बने रहना न्याय है। प्रकृति में जो नियम है वो नियंत्रित करते हैं, नियम के नियंत्रण से प्रकृति में संतुलन का प्रमाण, वही प्रकृति में न्याय है। तो जो सारा एजुकेशन है ना, वो संतुलन का अध्ययन के लिए है ना, प्रकृति में नियम का अध्ययन, प्रकृति में नियमों के द्वारा कैसे नियंत्रण है। ठीक, जैसे हमारे पास प्रकृति में, हमारे अर्थ पर ग्रेविटेशन है, लेकिन ग्रेविटेशन के बाद एक स्केप वेलोसिटी भी है, एक लिमिट के बाद वो खत्म हो जाता है ना, मतलब धरती, धरती की आप उसको छोड़ के जा सकते हैं, है ना। तो इन बातों का अध्ययन विज्ञान में हुआ है, लेकिन उन इन बातों का अध्ययन संतुलन के अर्थ में नहीं हुआ है। संतुलन के अर्थ में नहीं हुआ माने न्याय के अर्थ में नहीं हुआ है। ठीक है, कि इन बातों का अध्ययन हुआ, इसी के कारण तो हमारे पास हम सैटेलाइट को प्रोजेक्ट कर पाए हैं ना। हमें पता है स्केप वेलोसिटी, मतलब अगर इतने वेलोसिटी से कोई चीज फेंकी जाए कि वो धरती की कक्षा को पार कर लेगी, राइट, है ना, धरती की ऑर्बिट को क्रॉस कर लेगी, और उसके बाद वो वो सैटेलाइट बन जाएगी, मतलब धरती का उपग्रह बन जाएगी, मतलब धरती के चारों ओर घूमती रहेगी। तो सैटेलाइट से आज हम इतना, हमारे पास टीवी सिनेमा जो आ रहा है उसका इस्तेमाल करके ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है ही, लेकिन हमने इसका अध्ययन जो है वो न्याय के अर्थ में नहीं किया। ये हमारी शिक्षा से चूक हो गई, इसके कारण आज धरती की स्थिति है ना। मतलब जब ये पढ़ाते हैं किसी किसी इंजीनियर को, हमारे जैसे इंजीनियर को, तो ये मुद्दा छूट जाता है। ऐसी बात, धरती के जितने हमने अगर केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ी, तो हमने, मैंने कहा कि कोई, हमने ये अध्ययन किया कि एक एक तत्व हमारे लिए कैसे उपयोगी है, हमने कभी ये अध्ययन नहीं किया कि हम इसके लिए कैसे उपयोगी है। जो डॉक्टर है, वनस्पति हमारे लिए कैसे होगी उपयोगी है, ये हमने अध्ययन किया, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है ना, इसका फायदा मनुष्य के लिए क्या, ये मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, वगैरह वगैरह, हमने ये अध्ययन में छोड़ दिया कि हम इस वनस्पति के लिए कैसे उपयोगी है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, जैसे आपको पता है कि संतरा खाने से क्या, कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन सी, हाँ विटामिन सी मिलता है आपको, विटामिन सी मिलता है, तो पता है आपके जो दांत है बहुत अच्छे निकलते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं। आपने देखे ना स्कूल में बच्चे होते हैं ना, उनके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े से होते हैं, देखिए ना, वो सब विटामिन सी की कमी से होते हैं। ठीक है, तो हम, हमारा सारा अध्ययन एक ही दिशा में हम कर रहे हैं, एक एक्सट्रीम में पहुंच गए, और वो एक्सट्रीम जो है वो एक्सप्लॉयटेशन का, वो वहां पर एक्सप्लॉयटेशन ही है केवल, देयर इज नो बैलेंस। शालिनी बहन, आपने जिस तरह से यहाँ पर बच्चों को और सभी बड़ों को और हम भी आए हैं, तो सबको लेकर जिन मुद्दे पर आपने जो बात कही, मुझे रजनी से याद आ गए कि वो जो बात करते थे ना, एक मुद्दे को जो पकड़ते थे ना, तो वही मुद्दा ऐसा लगता है कि वही सच है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो आपने न्याय की बात कही, जो पदार्थ की अवस्था है उसके बारे में बात कही, और जिस तरीके से आपने समझाया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा काम है वो पढ़ना और पढ़ाने का है, इसलिए मैंने आपको कोई सवाल नहीं किया, इसलिए कि मैं ये देख रहा था कि किस तरह से आप ये पूरा जो वर्कशॉप हैंडल कर, और आपने ये भी नोटिस किया है कि कम है, लेकिन इसमें से दो लोगों को भी यदि चेतना क्या है, उनकी जो भाव है वो समझ जाए, तो अपना वर्कशॉप है सफल। तो इसके लिए मैं आपको शुभेच्छा भी देता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से आपने यहाँ पर जो कार्यक्रम जो पेश किया, इसमें अच्छी तरह से समझाया, और जो उदाहरण दिए हैं वो प्रकृति का हो या फिर मानवता से जुड़ा हुआ हो, बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत मजा आया। ग्रेट बाबा ने बात को रखा, चाहूंगी कि आप सभी वो वर्कशॉप जरूर अटेंड करें प्लीज। ग्रुप में भी डालते हैं छोटू भाई, तो हम लोग देखते हैं,
एक घंटे का कभी होता है, 45 मिनट का होता है, जितना भी टाइम मिलता है उतना देखते हैं, लेकिन जो तरीका है वो पढ़ाने का, और खास तौर पर किस तरह से जो कार्यक्रम के कैसे कैसे माहौल है उनमें किस तरह से पेश किया जाए, वो बढ़िया ढंग है आपका जो पढ़ाने का। हाँ, ये तीनों को बिठाना भी बड़ी बात है, और इनके जरिए से आपने सिखाए। आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बढ़िया, थैंक यू बोल दीजिए, आपकी तारीफ कर रहे थे ये लोग, थैंक यू बोलिए, थैंक यू। કંટ્રોલ કરવો, એના જરિયાથી એના માધ્યમથી કેવી રીતે બાકીના વિદ્યાર્થીઓને પણ કંટ્રોલ કરવા, એ કલા છે। સહી વાત, દેખે બાબાજી કે એક વાત બોલ દેતી હું, ये बात ऐसी है कि ये इस बात की वजह से जो मेंटर प्लस है ना, दैट्स व्हाई इट कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स। मेंटर प्लस जो मेरा इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने कहा हर व्यक्ति हर कुछ को, है ना, हर व्यक्ति हर कुछ को पूरा पूरा समझ सकता है, इस विश्वास से शुरू करना है। तो हमारे हर कुछ को पूरा पूरा समझ सकता है, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग कम्प्लीटली। इस ये बच्चा इतना बड़ा है, इसकी चेतना कितनी बड़ी है हमारे जितनी है। जब मैं न्याय बोलूंगी ना, तो इसके दिमाग में भी वही कंपन होंगे जो हमारे दिमाग में होंगे, हमारे और आपके बीच में होंगे। इसकी भी चेतना उतनी बड़ी है और उसकी भी चेतना उतनी बड़ी है। जब मैं इनको इतना 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 देखती हूँ, आई हैव अ प्रॉब्लम, तब मेरे को इनको हैंडल करना है। जब मैं इनकी चेतना को और अपनी चेतना को समान स्तर पर रख देती हूँ ना, उस क्षण में न्याय हो जाता है और उस क्षण में नियंत्रित हो जाते हैं। मनुष्य जो है वो न्याय में नियंत्रित है, इसलिए ये सब आज नियंत्रित थे। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड मेंटर प्लस। दैट्स वाई जो बच्चे बिल्कुल ही एकदम खराब होते हैं ना, वो छः छः महीने में दे वी गेट रिजल्ट। तो हमारे यहाँ पे मेंटर प्लस है, तो बच्चियां हैं तो उनके साथ में कैसे हम बैठ सकते हैं, तो भाई साहब डिसाइड करेंगे, डॉक्टर केशु भाई दोनों वहां के कार्यक्रम तो दोनों का कंबाइन करेंगे तो ज्यादा लोगों को फायदा हो। और इंस्टीट्यूट है तो जैसे स्कूल चालू है, सत्र शुरू होता है, तो उसमें कुछ अरेंजमेंट करेंगे, दोनों कॉलेज साथ में मिलकर करें तो क्या ज्यादा लोगों को फायदा। बिल्कुल, और खास तौर पर एक माहौल बनेगा, जैसे कि सर पढ़ाने वाले ही है तो आपको एक सब्जेक्ट इस तरह का आप चूज करें जिससे उनको फायदा हो और साथ में जहाँ जाने वाले उनको भी फायदा हो। मनुष्य के लिए प्रकृति और मानव, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इसमें सब कुछ आ जाता है, प्रकृति है तो हम लोग।